अगर भारत जोड़ना था ये पीओजीओके की बात करिए कि पीओजीओके को कैसे वापस लाया जाए, बलूचिस्तान को कैसे भारत के साथ जोड़ा जाए, इस तरह की अगर चर्चा पे बात होती तो हम भी इनके साथ करते। मगर ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत को खंड करने की कोशिश, हर वक्त कोशिशें हुई। भारत जोड़ा यात्रा नहीं है, भारत तोड़ा यात्रा। और हम तो कहते हैं 24 के भावी तुम्हारे लिए, हम खुद कहते हैं राहुल जी कि 24 में अगर तुम हो गए दिल्ली से त्याग पत्र दे दूंगा मैं, दिल्ली का मुंह नहीं देखूंगा जिंदगी भर। ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए, आप चले जाओ। हमारे प्रधानमंत्री कह सकते हैं गुजरात मॉडल, राहुल गांधी के पास कौन सा मॉडल है बताएंगे? जोड़ो मॉडल है। तो भारत जोड़ो से क्या मिला भारत को? आप कितने दिन सांसद रहे, वहां क्या काम किए? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में पहुंचने वाली है और उससे पहले जनता से सीधी बातचीत करेंगे कि कितना असर छोड़कर जा रही है ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने पीछे पीछे। क्या लगता है कि 2024 में राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी सेट हो चुकी है? क्या जनता आपकी बार मोदी को उखाड़ फेंकेगी और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को आपकी बार बहुमत देने जा रही है? ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी जाने वाले हैं जहां से धारा 370 भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पे हटी है, उसी कश्मीर के अंदर। सर क्या कहेंगे, राहुल गांधी पहुंच रहे हैं अब कश्मीर, क्या लगता है? लगना क्या है, सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी आपके चैनल से पहले एक चीज पूछना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में एंटर करने से पहले राहुल गांधी जी आप भारत जोड़ो यात्रा करने तो निकले हैं, पहले धारा 370 के ऊपर अपना स्टैंड क्लियर करिए कि आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में खड़े हैं। आप जिन लोगों को इनविटेशन दे रहे हैं वो तो सरासर विपक्ष में बैठे हैं। मैं आपका स्टैंड चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में आपको तभी एंट्री हम करने देंगे जब आप अपना धारा 370 के ऊपर अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। एक तरफ जो लोग जम्मू कश्मीर को, हर वक्त उनकी ये कोशिश थी कि जम्मू कश्मीर को अलग किया जाए भारत से, महबूबा मुफ्ती हो चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, आज उन्हीं को इनविटेशन दिया जा रहा है। इनविटेशन उन लोगों को जो कभी ये कहते थे कि अगर धारा 370 के साथ अगर खिलवाड़ होती है तो जम्मू कश्मीर में तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ क्या आप अगर ये आपके साथ जुड़ते हैं तो आपकी इनके साथ क्या डील है? क्या 370 आप बहाली पे इस भारत जोड़ो का आपका मोटो रहेगा या आप जो पूरी जम्मू कश्मीर की जनता ने जिसको जिस फैसले को अपनाया है, घर घर तिरंगा लगाया है, आपने अमृत महोत्सव में सुना जो 75 साल हुए पूरे, घर घर तिरंगा लगा है, लाल चौक जैसे चौक में भी बाइक रैली हुई है, तिरंगा रैली हुई हैं, आज वहां का जो आवाम है विकास की ओर अग्रसर है, आज वो सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, वहां के युवाओं ने पत्थरबाजी को छोड़कर आज वो जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहां एग्जाम दे रहे हैं और अपना जो योगदान है भारत की प्रगति के लिए दे रहे हैं। क्या आप यहां डिस्टरबेंस पैदा करने आ रहे हैं? जब तक आपका यह स्टैंड क्लियर नहीं होगा, जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, वो आपको एंटर नहीं होने देंगे। वो भारत जोड़ो यात्रा करने जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा जो पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर जाएंगे। मुझे एक चीज कह रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा हम चला रहे हैं, लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। किस तरह का भारत जोड़ो? अगर भारत जोड़ना था ये पीओजीओके की बात करिए कि पीओजीओके को कैसे वापस लाया जाए, बलूचिस्तान को कैसे भारत के साथ जोड़ा जाए, इस तरह की अगर चर्चा पे बात होती तो हम भी इनके साथ करते। मगर ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत को खंड करने की कोशिश, हर वक्त कोशिशें हुई। अभी ज़्यादा दूर नहीं, हमारे चाइना बॉर्डर के ऊपर हमारे सैनिक जो हैं चाइना के सैनिकों को खदेड़ते हैं, मगर हमारे यहाँ के राहुल गांधी जी, भावी कुछ चमचों के भावी पीएम प्रत्याशी हैं ना ये, वो कहते हैं कि हमारे सेना के जवान पिट कर आए हैं, अपने जवानों के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं राहुल गांधी, ये भारत जोड़ेंगे? आज भारत असल मायने में अगर कोई जोड़ रहा है वो नरेंद्र मोदी जोड़ रहा है। आज कश्मीर बचाने की बात नहीं होती यहाँ पे, आजकल बात हो रही है पाकिस्तान में बैठे जो वहाँ के जो आका हैं ना, उनको डर है कि कब हमारा पीओ जो कि हमारे हाथ से चला जाएगा। आज वहाँ उनकी हालत देखिए, ये जो
मोदी जी की यात्राओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते थे ना, आज उसी विदेश नीति की बदौलत आज पाकिस्तान हमारा पड़ोसी जो हमारा दुश्मन हुआ करता था आज कटोरा लेकर कंगाल घूम रहा है। वहाँ की जनता जो है वहाँ अपने ही प्रधानमंत्री को जूते मारने पे आज ये हुआ है। ये विदेश नीति जो है ये उसी का पूरा प्रयास था उनका। मैं राहुल गांधी को कहूँगा ये जो इनकी यात्रा है कोई असर नहीं डालने वाली, अपना स्टैंड क्लियर करिए फिर जम्मू कश्मीर में घुसिए। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी जी जाएंगे लेकिन क्या वो तिरंगा लेकर जाएंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा इन्होंने कर दिया है कि क्या वो तिरंगा, जिस तिरंगा उठाने वाला कंधा देने वाला कोई पैदा नहीं होगा पूरे कश्मीर में। लेकिन धारा 370 भी हट गई, लेकिन ये भारत जोड़ो यात्रा जो पहुंच रही है इसका क्या स्टैंड निकल के आएगा, क्या मतलब निकल? देखिए ये लोग वहां जा रहे हैं, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और जो भी अलगावादी हैं जो उनसे साइटिंग करने जा रहे हैं, उनकी साइटिंग पहले से भी थी, वही साइटिंग है। ये जो करते हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा है, गहलोत के 2014 में एक रैली करी थी तो बोले हम हिंदू को नहीं, हम हिंदू धर्म को नहीं मानते, ये वो राहुल गांधी हैं। आज मंदिर में आरती कर रहे हैं, गुरुद्वारे में चर्च में जा रहे हैं तो वहाँ पे पढ़ने की जगह हाथ जोड़ रहे हैं, उन्हें ये पता नहीं चर्च में किस तरह पूजा की जाती है, मंदिर में किस तरह पूजा की जाती है, मंदिर में किस तरह पूजा की जाती है, मस्जिद में किस तरह मोले करी जाती है, इन्हें ये भी पता नहीं है। खाली बस ये है कि दादी हमारी प्रधानमंत्री, नाना हमारे प्रधानमंत्री, बाप हमारे प्रधानमंत्री, हम भी प्रधानमंत्री बन जाएं। एक बहुत भीड़ है हमारे साथ, जनता मोदी को खाड़ फेंकेगी, सुनो हटाएगी मोदी को। भाई साहब मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा, 460 लड़कों की लिस्ट है मेरे पास, 460 लड़कों की, वो भी पैसे वाले, उनमें मात्र 100 लड़के आए थे, 100 की पब्लिक आई थी यहाँ पे सिर्फ मेरे गांव में, 460 लोगों के सबके 300 रुपए, 400 रुपए, जैसे जिसको ठेक लूट पाया तैसे लूटा, वहाँ के नेताओं को, स्थायी नेताओं को। मैं खुद बताता हूँ मेरे पास खुली लिस्ट है, उनके आधार कार्ड भी दिखा दूंगा कि इन्होंने पैसे लिए हैं और उनके हम पर रिकॉर्डिंग भी है। अगर झूठ आप मान रहे हो कि राहुल गांधी की जो भीड़ जा रही है सब पैसे से जा रही है, भाई सब पैसों से जा रही है, सब पैसे वाली है। अगर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बताओ मोदी जी यहाँ पे आए, मैं कर दूंगा, मैं क्या करता हूँ गदर 2 के लिए मैं 10 टिकट मैं खुद दिखाऊंगा, 10 टिकट खरीद कर दिखाऊंगा। तो एक जनता एक देशभक्त ऐसा होना चाहिए कि अब इनके जो रैली में है इनसे कहो तुम 5 आदमी ले आओ, नहीं लाएंगे। नेता है, नेता सबके 100-200 पब्लिक इन्हें ट्रेंड करा जाता है, तुम्हें इतनी पब्लिक लानी है, तुम्हें इतनी पब्लिक लानी है, तुम्हें इतनी कैसे भी लाओ, पैसों से लाओ, कैसे भी लाओ। 70 साल तक इन्होंने करा क्या, 70 साल तक इन्होंने करा क्या, पैसा लूट के सबके लिए खाने के लिए। भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ यात्रा, और हम तो कहते हैं 24 के भावी तुम्हारे लिए, हम खुद कहते हैं राहुल जी कि 24 में अगर तुम हो गए दिल्ली से त्याग पत्र दे दूंगा मैं, दिल्ली का मुंह नहीं देखूंगा जिंदगी भर। ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए आप चले जाओगे दिल्ली छोड़, कारण ये है क्यों मैं छत्तीस राजपूत हूँ, क्योंकि इनकी नीतियों से हमें वो है। 2013 में 4 मार्च के लिए, 2014 में 4 मार्च के लिए एक आचार संहिता से एक नियम लागू करा इन्होंने, जिसमें 123 संपत्ति दिल्ली की, 123 सरकारी संपत्तियां दिल्ली की, जिसमें कनॉट प्लेस भी, लोधी रोड भी, मिंटो रोड भी, बहुत सरकारी संपत्तियां बर्क बोर्ड, मुस्लिम बर्क बोर्ड को दी। क्या हिंदू बोर्ड नहीं था, गुरुद्वारा बोर्ड नहीं था, जैन धर्म बोर्ड नहीं था? भाई तुमने एक बर्क के लिए तुमने इतना करा। जम्मू कश्मीर का टारगेट रखा है कांग्रेस ने, रखा कन्याकुमारी से राहुल गांधी पैदल चलेंगे और पूरे भारत को जोड़ते अब जम्मू कश्मीर में एंट्री करने वाले हैं, क्या प्रभाव रहेगा? नहीं वो अच्छा तो वही जोड़ नहीं रहे हैं, हाँ जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, जितने एंटी नेशनल हैं सबको जोड़ रहे हैं पूरे देश में, इनके जितने जहां जहां से शुरू किए हैं वहां से उठाइए और जहां तक पहुंचे हैं, जितने इंटरनेशनल देश के विरुद्ध जो लोग काम किए हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं। इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं कि एक बार इकट्ठा हुए थे या तीनों माँ बहन बेटा, कब? दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में इन्होंने कहा था कि अब घरों से निकलने की जरूरत पड़ गई, उसी समय CAA हुआ और दिल्ली में दंगा हुआ। उस समय दिल्ली में कह रहे भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, आप कह रहे दंगा करें, वो तो कह रहे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूँ राहुल गांधी। ठीक है, जिस जैसे मान लीजिए कि मैं हिंदू हूँ, मैं कोई काम करता हूँ तो पूजा पाठ शुरू करता हूँ, किसी देव किसी को बुलाता हूँ, पंडित को पूजा करता हूँ। राहुल गांधी किसके पास सबसे पहले गए थे? पुनैया के पास।
चर्च वाला, वो कहा कि भारत माँ को नहीं छूता हूँ इसलिए कि गंदा हो जाती है। उसके बाद से दूसरा व्यक्ति कौन आया था जिसने गाय जमीन पे काट के और सार्वजनिक रूप से गाय को खिलाया था? तीसरा व्यक्ति उसके बाद से कर्नाटक में उनका प्रदेश अध्यक्ष, वो कहा कि हिंदू शब्द गाली है। उसके बाद से उनका जो पूर्व में गृह मंत्री है वो कहा कि गीता जिहाद सिखाती है। उसके बाद से टुकड़े टुकड़े गैंग का कन्हैया कुमार उनके साथ है। ये योगेंद्र यादव कौन है? किसान आंदोलन में जो हो रहा था, जो 26 जनवरी को हुआ, ये लोग कौन है? उसके पहले एक रा के अफसर हैं, अभी अभी जानते हैं ना, वो दुल्लत साहब, जो इस देश में जस्टिफाई करते हैं कि जम्मू कश्मीर इस देश से पाकिस्तान को दे देना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला वही हैं, महबूबा वही हैं। आप बताइए साहब, ये कौन लोग हैं? तो क्या कराना है, कहाँ इस देश को ले जाना है? बात समझ रहे हैं जी? कहना है जोड़ना, लेकिन वहाँ भी रामलीला ग्राउंड में जब ये दिल्ली दंगा हुआ था ना, तो यही चीज़ कहा गया था कि हम जोड़ने आए हैं। तो अब तो पूरी दुनिया, एक आदमी आया तो इतना बड़ा हुआ, तो अब पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं। किसी तरह से जो सनातन का हिंदुत्व का मॉडल है इस समय प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया में हिंदुत्व को बदनाम करना। भारत जोड़ो यात्रा सफल या विफल? बिल्कुल आखिरी में, बिल्कुल बिल्कुल एकदम शॉर्ट में, सफल या विफल क्या लगता है? राहुल गांधी का सपना देख रहे हैं 2024 में प्रधानमंत्री का? एक क्वेश्चन और जनता से पूछता हूं, एक क्वेश्चन, दो मिनट का। एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि केजरीवाल के पास एक मॉडल है शिक्षा मॉडल, ठीक, ये समझने वाली चीज़ है, शिक्षा मॉडल प्रधानमंत्री हैं। जैसे हम नीतीश कुमार भी कह सकते हैं मैंने सुशासन मॉडल, हमारे प्रधानमंत्री कह सकते हैं गुजरात मॉडल, राहुल गांधी के पास कौन सा मॉडल है बताएंगे? जोड़ो मॉडल है। तो भारत जोड़ो से क्या मिला भारत को? आप कितने दिन सांसद रहे, वहां क्या काम किए, पूछता है भारत, जानना चाहता है भारत। क्यों आपको 70 साल से आपके परिवार ने एक संसदीय सीट नहीं बना पाया जहां से आप जीत पाए और आप प्रधानमंत्री बनेंगे? 60 साल आपके परिवार ने राज किया, आप एक सीट नहीं बना पाए जहां से आप जीत पाए और आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे? आपको अपने सीट से भाग के जाना पड़ता है वायनाड, केरल, ये आपकी हैसियत है और आप इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या बात करते हैं साहब, बात समझ रहे हैं? इसीलिए उनका कोई मॉडल नहीं है देश के लिए, देश के नागरिकों के बच्चों का भविष्य क्या होगा, देश का भविष्य क्या होगा, विजन क्या है, ये जब उनके पास नहीं है तो सिर्फ गाली देना है और भारत टुकड़े करना है। इसको कैसे करेंगे? सारे ये एजेंडा के तहत सारे देश विरोधियों को इकट्ठा किया जा रहा है। अभी किसान आंदोलन के सारे लोग उनके साथ फोटो खिंचवाए हैं कि नहीं, जो कांड किए थे, देखे हैं कि नहीं, फोटो देखे हैं कि नहीं आप लोग, अभी अभी मिले थे कि नहीं? तो क्या करना है अभी? बड़े बारीक मोदी नफरत फैला रहे हैं, मैं पर निकला। अच्छा, मोदी नफरत फैला रहे हैं, ठीक ना? कभी राहुल गांधी यह बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान कब वोट देने लगे मुलायम सिंह को, कब लालू यादव को वोट देने लगे, कब ममता बनर्जी को वोट देने लगे? उत्तर प्रदेश में मुसलमान देने लगे तब जब हिंदुओं पर गोली चली, बिहार में देने लगे जब लालू यादव ने रथ यात्रा रोका, ममता बनर्जी ने जब गोकशी शुरू कराया तब वोट देने लगे। तो मुस्लिम भाई उसको वोट देंगे जो हिंदुओं को इस तरह से प्रताड़ित करेगा, उसको वोट देंगे, तो वो नफरत नहीं फैला रहे हैं, ठीक ना? उनको देख के हम उनसे सीख के और हिंदू पार्टी मैंने एक पार्टी को हम वोट देने लगे तो हम कौन है? कम्युनल, हम नफरत फैला रहे हैं। सिखाया आपने, क्या कभी राहुल गांधी इस तरह की बात करते हैं? बात समझ रहे हैं? ये है सच्चाई, हमको किसी ने सिखाया नहीं, देखते देखते सीख लिए इस देश को कि कौन क्या कर रहा है। हम नफरती नहीं थे, हमारा मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निराभया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबको समान दृष्टि से देखने का हमारे सनातन ने सिखाया। क्या लग रहा है 24 में क्या होने जा रहा है? बिल्कुल शॉर्ट में 400 पार। कौन? मोदी। 400 पार, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। ये भारत जोड़ो यात्रा भी नहीं रोक पाएगी, कांग्रेस भी नहीं रोक पाएगी, राहुल भी नहीं रोक पाएगी। छोड़िए भाई जी, क्या मजाक कर रहे हैं? अगर मजाक ही करना है तो कहिए, तो उनके नाम पे हंस दें, देश हंस रहा है, हम भी दो मिनट ताली बजा लेंगे। दरअसल राहुल गांधी ही भाजपा के प्लेटफार्म पे खेल रहे हैं। राहुल गांधी जब तक विपक्ष के नेता रहेंगे तब तक मोदी लगातार देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। यह कांग्रेस ने तय किया है कि हमको राहुल गांधी को लाते रहना है और भाजपा को जिताते रहना है।
देख सकते हैं देश की जनता है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही कश्मीर पहुंचने वाली है उससे पहले देश की जनता का क्या कहना है ये आपने सुना। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा।